अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पिस्टन। तो ये थोड़ी डिटेल डायग्राम है, तो आज हम ये पार्ट डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने ये मार्क किए हुए हैं, इन डायमेंशंस को यूज़ करेंगे। और भी डायमेंशंस हैं इसमें, क्या है कि ये दो दो दफ़ा डायमेंशन मेंशन की हुई है। जैसे यहाँ पर 36 30, तो यहाँ पर भी 30 और 36 थी हुई है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रियो सेलेक्ट अ वर्किंग डायरेक्टरी, क्रिएट अ न्यू फोल्डर विद एन नेम पिस्टन। ओके ओके, उसके बाद ना अपने न्यू पार्ट, और पार्ट का नाम भी मैं रख रहा हूँ पिस्टन। ओके, उसके बाद फाइल प्रिपेयर, मॉडल प्रॉपर्टीज चेंज और MMKS सेट। ओके, क्लोज और क्लोज। अच्छा जी, अब हम ड्राइंग को देख लेते हैं ज़रा गौर से। तो इसका जो मेजर डाया है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, देख लेते हैं। इसका मेजर डाया है 36 और जो इसकी टोटल लेंथ है वो 124। तो इसको बनाते हैं, ये इस साइड में चाहिए हमें। तो एक्सट्रूड, तो मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। रीओरियंट, हमें चाहिए सर्कल 36, 36 का डाया। ओके, और इसको मैं कर दूँगा एक्सट्रूड विद बोथ साइड। और इसकी जो लेंथ थी वो 124 mm। ओके, और कंट्रोल डी। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब इसकी देखते हैं बाकी डायमेंशंस। तो इसके अंदर जो बेसिक ड्रिल है, ये जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यू में भी दिख रहा है। तो इसकी जो ये यहाँ पर दी हुई 10 mm के ड्रिल है और इसकी लेंथ है 20। तो मैं होल की कमांड यूज़ करूँगा, सेंटर एक्सिस क्लिक करके कंट्रोल की दबा के क्लिक करना है फेस पे, ड्रिल ड्रिल करना है हमें 10 mm का, और डेप्थ जाएगी 20 mm। ओके हो गया, कंट्रोल डी, ड्रिल भी हो गया। तो इसको हम देख लेते हैं वाइट फ्रेम में, हिडन लाइन, शेडिंग विद एज। ये देखिए, ये आ गया हमारा ड्रिल, शेडिंग विद एज, कंट्रोल डी। तो अब हमें सेकेंड ड्रिल है जो कि फ्लैट है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 15 mm है और इसका डाया है 15 mm। तो इसको भी बना लेते हैं, होल की कमांड ही लेनी है। अगेन सेलेक्ट एक्सिस एंड सेलेक्ट द सरफेस ऑन कंट्रोल कीज, एंड देन डायमीटर इज 15 mm एंड डेप्थ इज अगेन 15। ओके, कंट्रोल डी। यहाँ पर ये जो कट लगा हुआ है, यहाँ पर 6 mm की डेप्थ पर है और 29 mm मतलब 30 mm का डाया हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पर 30 mm का डाया पर दिया हुआ है ये कट। तो इसको 6 mm, और यहाँ से फेस से इस कॉर्नर तक है 12 mm की डेप्थ पर। तो इसको भी बना लेते हैं सबसे पहले। तो आपने, मैं इसको रिवॉल्व की कमांड से बना रहा हूँ। डिफाइन करना है दिस फेस, और रेफरेंस पे मैं टॉप फेस ले रहा हूँ। स्केच रीओरियंट, तो रेफरेंस लाइन लगा लेता हूँ मैं इधर। तो एक कॉर्नर रेक्टेंगल। अब इसकी जो डेप्थ है, मतलब साइज है, 6 mm का है ये ब्लॉक, और यहाँ से
इस फेस से इस फेस तक 12 mm की गैप पर है, और नीचे से 30 mm, मतलब के 30 का हाफ करेंगे हम तो 15 बन जाएगा, सॉरी 15 mm। अच्छा जी, तो रिवॉल्व के लिए यहाँ पर सेंट्रल लाइन लगा लेता हूँ मैं। वैसे तो एक्सिस भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए, और इस यहाँ पर जाके सेटिंग में रिमूव मटेरियल कर देना है, तो ये बना देगा यहाँ पर आपके। रिवॉल्व में क्या होता है कि रिवॉल्व में जाके आप सेंटर लाइन नहीं भी लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सेंटर लाइन मैंने डिलीट कर दी, तो ओके करूँगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट एक्सिस मांगेगा, तो मैं यहाँ पर एक्सिस भी क्लिक कर सकता हूँ, तो ओके कंट्रोल डी। अगेन हमने ड्राइंग देखनी है, तो यहाँ पर आपको दो टाइप के और होल से नज़र आ रहे हैं, 29 पॉइंट, जैसे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, 29.45 और 29। एक में है 15 की डिग्री, एक में है 30 की डिग्री, तो इसको बनाते हैं, और इसकी डेप्थ 15 mm ही है, इसकी डेप्थ भी 15 mm ही जाएगी, मतलब 12 mm तक जाएगी। यहाँ पर ये देखिए जूम करके देखें तो यहाँ 12 mm तक जाएगी, तो इसको करता हूँ मैं रिवॉल्व की कमांड से ही बनाऊँगा। रिवॉल्व की कमांड ली, डिफाइन सरफेस रेफरेंस मैं ले लूँगा टॉप स्केच व्यू ओरिएंट, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक ट्रो अलाइन कर लेता हूँ, जिसकी जो लेंथ होगी 21.45 का हाफ, 21.45 डिवाइडेड बाय 2, ये लेंथ आ गई, तो और एक रेफरेंस लाइन डायमेंशन होगी इसकी, यहाँ पर ये जो डायमेंशंस आ गई, तो इसकी डायमेंशन है 12 mm, तो इसके साथ ही आ जाएगा। और एक लाइन लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे करके, तो इसकी इसका जो एंगल यहाँ से लेंगे ये वाला एंगल, और यहाँ से 15 का एंगल है, 15 का एंगल लिया, और अब इस स्केच को क्लोज कर दूँगा मैं। तो जैसे मैंने पिछले रिवॉल्व में भी बताया कि सेंट्रल लाइन की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी तो भी चलेगा, तो लेकिन हम फिर भी लगा लेते हैं सेंट्रल लाइन, ओके, और यहाँ पर जाके रिमूव मटेरियल, ये देखिए ओके हो गया जी, कंट्रोल डी। अब हमें बनाना है 29 का डाया, जिसकी जो डिग्री है वो 30 है, तो इसकी जो यहाँ पर दी भी नहीं है 12 mm तक, मतलब ये यहाँ तक भी चलेगा, तो इसका पहले देख लेते हैं डिग्री। रिवॉल्व की कमांड से ही बनाऊंगा मैं, डिफाइन एज ए सेंटर प्लेन एज ए रेफरेंस स्टॉप एंड देन अ स्केच एंड बी ओरिएंट, अगेन लाइन लगाऊंगा मैं एक, जिसका जो डाया है वो 29 है, तो 29 का हाफ हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 2, 14.5, तो यहाँ से लेके मैं एंगल भी दूंगा इसकी, जो पहले मैं एक रेफरेंस भी लगा लूं, अगेन मैं 12 mm पे ही रखूँगा, और इसका जो एंगल है वो 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 का एंगल हो जाएगा, ट्वेंटी नाइन कहा 14 ही होगा, और एंगल जो है वो 30 आएगा, जिस यहाँ से दिया भाई, तो इसका जो रखना है हमें 5 mm यहाँ तक रख लेते हैं इसकी, क्योंकि यहाँ पर कोई डायमेंशन मेंशन नहीं है कि यहाँ,
जिससे कि ये वाला था 29 का एंगल, 29 का डाया और 30 डिग्री पे था, तो इसको हम बना रहे थे रिवॉल्व की कमांड से, डिफाइन सेंटर फेस, और मैं ले लूँगा यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे टॉप फेस, स्केच करूँगा और रीओरियंट रेफरेंस लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। रेफरेंस लाइन लगा ली है, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा मैं एक, जिसका हाफ डाया करना है हमें 29 का, 29 डिवाइडेड बाय 2, और हमें एक लाइन यहाँ पर जा रही है जिसका एंगल है यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री पे, और जो मैं हिडन लाइन कर लेता हूँ यहाँ पर, नो हिडन, ये यहाँ पर हमारी एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं इस लाइन को जो पिछली लाइन से मैंने होल्स बनाया था, तो इसको मैं प्रोजेक्ट कर लूँगा क्लोज, और जो बाकी जो मेरा जो है उसको मैं ट्रिम करके एक छोटा सा स्केच रेडी हो जाएगा, और इसको कर लूँगा मैं सेंटर लाइन लगा के ओके, और रिमूव मटेरियल तो है तो ये रिमूव हो जाएगा, ओके करूँगा कंट्रोल डी, तो ये हमारा हो गया है, एक फेस तक रेडी हो गया है यहाँ पर, 29 तक, 30 भी हो गया, और अब यहाँ पे लगाना है शैम्फर, लगा हुआ है 30 एंगल, नहीं, यहाँ पे देख लेते, ये 10 डिग्री पे शैम्फर लगा हुआ है कोने पे, 2 mm पर है, तो शैम्फर लगा लेते हैं, शैम्फर में जाएंगे, यहाँ पे डायमेंशंस में जाएंगे, तो एंगल वाइज हमें बताना है एंगल, एंगल यहाँ पर है 10 डिग्री का, और जो शैम्फर है वो 2 का है, तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं ओके। ये हो गया हमारा वन साइड कंप्लीट, तो सेकेंड टाइम हम इसको मिरर कर देते हैं, होल से लेते हैं 1 2 3 सिलेक्टेड कंट्रोल्स एंड देन अ मिरर कमांड सेंटर फेस, यहाँ पर थोड़ा सा कर रहा है मसलन, इसको पहले मैं होल्स मिरर कर लेता हूँ ओके, एंड देन अ रिवॉल्व सिलेक्टेड रिवॉल्व ओके, एंड देन थर्ड रिवॉल्व एंड शैम्फर, शैम्फर नहीं लगाते, शैम्फर सेकंड में ही लगा लेंगे, तो ओके, तो यहाँ पर मैं शैम्फर लगा रहा हूँ 2 डिग्री एंगल वाइज 10, और क्लिक ओके, तो कंट्रोल डी, यहाँ तक तो हो गया हमारा पार्ट रेडी। अब हमें ये थोड़ा सा कट फेस लगाने हैं, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशंस ज़रा सा देख लेते हैं, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 19 mm तक है, और यहाँ पर जो देखे टोटल जो डाया है पूरा 36 है, और यहाँ पर 34 बता रहा है, तो हमें 2 mm वन वन साइड दोनों की कम करनी है, तो यहाँ से फेस से यहाँ तक 19 mm है, डिस्टेंस है 19 mm का, और एंड में शैम्फर लगा हुआ है 45 का, तो इसको करते हैं सब रिवॉल्व से ही, मैं बना रहा हूँ इसको भी, सिलेक्ट द फेस एंड डायमेंशन में इसको कॉर्नर रेक्टेंगल ले रहा हूँ, रेफरेंस लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, कॉर्नर रेक्टेंगल लेके मैंने एक ड्रॉ करा स्केच, जो कि है 34 का है, तो इसकी मैं डायमेंशन ले लूँगा यहाँ से, 34 का हाफ हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 2, तो और यहाँ पे जो डायमेंशन है यहाँ से
इस फेस तक है 19 mm, और यहाँ पर भी इस फेस से है 19 mm। ये हो गया, सेंटर लाइन लगा लेता हूँ, ओके करूँगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे रिमूव मटेरियल हो जाएगा, ओके हो जाएगा। और इस कॉर्नर पे जो लगे हुए हैं शैम्फर 45 के एंगल बताने हैं इसको, 1 mm वो साइड लगेगा, तो 1 mm की शैम्फर लग गई। कंट्रोल डी, यहाँ तक हो गया रेडी। तो आगे देखते हैं, तो अब हमें ये दो कट बनाने हैं, दो जिसकी यहाँ से लेके सेंटर नहीं है, 20 mm के फासले पर हैं ये दोनों, और सेंटर टू सेंटर हो जाएगा 48। तो इसको मैं बनाऊंगा एक्सट्रूड, सेंटर फेस रीओरियंट, और डायमीटर में पहले एक सेंटर लाइन लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, जिसका फेस यहाँ से लेके यहाँ तक है 20 mm। इस डायमेंशन को लॉक कर देता हूँ। अब हमें दो डायमीटर बनाने हैं, इसके साथ टेंजेंट करने हैं, जिसका रेडियस है 21 का, तो 21 का रेडियस हो जाएगा 42 ही हो जाएगा, 21 का 42 हो जाएगा। तो अब हमें एक सेंटर लाइन सेंटर में लगा के मैं इसको मिरर कर दूंगा, मिरर की कमांड से सेलेक्ट दिस एंड मिरर कमांड। अच्छा जी, अब ये सेंटर से सेंटर 48 था, तो 48 को डिवाइड कर दूंगा मैं 48/2, और इसका भी देख लेते हैं ये हो गया है कि नहीं, हो गया है अंडू। और अब हमें एक लाइन लगानी है जिसकी यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर ये वाली लाइन 30 30 के डिस्टेंस पे लाइंस लगी हुई हैं, तो इस लाइन की यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है टोटल 30 mm। अच्छा जी, ये हो गया, और मैं इस स्केच को अब क्लोज कर दूंगा। अब मैं ट्रिम की कमांड से बाकी का एरिया जो है वो ट्रिम कर दूंगा। ये हो गया हमारा स्केच रेडी, ओके करूंगा मैं, एक्सट्रूड विद बोथ साइड एंड रिमूव द मटेरियल, ओके कंट्रोल डी। ये देखिए, ये हो गया। अब हमें बनाना है एक, यहाँ पर सेंटर में होल है, थ्रो होल है, 20 mm का है, तो इसको भी बना लेते हैं सेंटर एक्सट्रूड। और इस सेंटर में एक सर्कल बना लेता हूँ, 20 mm के डाया है इसका, 20 mm, और ओके एक्सट्रूड थ्रो कर लेता हूँ मैं इसको, एक्सट्रूड विद बोथ साइड एंड देन ओके कंट्रोल डी। अच्छा जी, अब हमने बनाना है ऊपर जो ये दिया हुआ है, एक कैप्सूल टाइप है, ये भी पूरा थ्रो है, तो इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। रेडियस है 7 mm की 2, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं है, कॉर्नर टू कॉर्नर है 25। ओके, अब इस फेस से बनाना है, इस फेस पे मैंने करना है एक्सट्रूड, रेफरेंस ले लिया मैंने, सर्कल बनाया एक 7 mm का, रेडियस है तो 14 mm का डाया हो गया, 14 mm का डाया। इसको मैं सेंटर लाइन लगा के कर देता हूँ मिरर, सेलेक्ट दिस वन एंड मिरर कमांड एंड क्लिक ऑन द सेंटर लाइन एंड देन अ डायमेंशन इज क्लिक दिस वन एंड क्लिक दिस वन।
click this one and then a dimension is 25 का था ये, तो 25 के डिस्टेंस पे आ गए। तो अब इसको हम स्केच को क्लोज कर दूंगा मैं, और ट्रिम की कमांड से बाकी का जो लाइन्स है उसको मैं ट्रिम कर दूंगा ट्रिम की कमांड से। तो स्केच रेडी, ओके। और ये भी पूरा थ्रो है तो इसको थ्रो एंड देन रिमूव मटेरियल, ओके, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब हमने एक और फेस है जिस अब हमने एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी कॉर्नर्स पर यहाँ को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये 16 mm के हैं, ये 14 mm हैं, तो मैं इस फेस पे ही बना लेता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं, सेंटर रेक्टेंगल लूँगा मैं जिसकी डायमेंशन होगी ये वाली 14 mm, सॉरी 16 mm है, 16 mm, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ 40। तो इसकी डेप्थ देख लेते हैं, डेप्थ यहाँ पर दी हुई होगी ये यहाँ पर है 5 mm, तो ओके करूँगा मैं इसको साइड चेन, और इसकी जो डेप्थ है 5 mm है, और रिमूव मटेरियल, ये देखिए साइड्स में ये कट्स लग गए, ओके करूँगा मैं कंट्रोल डी। अब हमें एक और जो बनाना है कैप्सूल टाइप की है जिसकी डायमेंशंस निकलेगी यहाँ से, देख लेते हैं इसकी भी डायमेंशन है 40x40, तो यहाँ तक है 7 का ही रेडियस आएगा जिसकी 16, जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों की 16 mm होगी डायमेंशन। तो इसको भी बनाते हैं एक्सट्रूड की मदद से, रीओरियंट और स्केच रेफरेंस लगा लेता हूँ मैं, एक रेफरेंस यहाँ से ले लेता हूँ मैं, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, रेडियस है 14 mm का ही है, तो हमें यहाँ से चाहिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस चाहिए हमें 16 mm, 16 mm तक का आ गया। तो अब हमें चाहिए एक सेंटर लाइन, और सेलेक्ट दिस वन एंड देन अ मिरर। अब इस इन दोनों को हम क्लोज कर देंगे स्केच से, एक मिनट में मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, देख लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पर आ गया 25, और यहाँ पर डायमेंशंस मेंशन नहीं है, 6 मतलब 6 है यहाँ पर, कॉर्नर 2 कॉर्नर 6 mm तक है ये डायमेंशन यहाँ पर दी हुई है, तो इसको मैं 6 mm कर लेता हूँ, 6 mm तक आ गया यह यहाँ पर, और दोनों को स्केच रेडी, और बाकी की लाइंस जो हैं वो ट्रिम हो जाएंगी। ओके, इसका भी जो है देख लेते हैं 5 mm तक ही जाएगा ये, 5 mm नहीं है, थ्रो है पूरा, तो इसको मैं एक्सट्रूड विद बोथ साइड कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड,
ये देखिए, इसकी जो डायमेंशन्स है वो ज़रा सी देख लेते हैं। इसकी डायमेंशन यहीं पर ही मेंशन की होंगी, 5 mm तक ये बता रहा है आपको। यहाँ पर 5 mm या तो 16 स्केच में, यहाँ पे 16 नहीं है तो 16 ही है। एडिटिंग यहाँ इसकी जो डेप्थ है वो 12 mm है, 12 mm की डेप्थ है इसकी, और मतलब साइज है। तो इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है। जिस तो यहाँ पर 20 के फेस पर आ रहा है, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो डेप्थ निकल आएगी 10 mm। तो इसकी जो डेप्थ है वो है 10 mm। एडिट में जाते हैं, इसका जो फेस है, फेस ये वाला डिफाइन करना है था हमें। इसकी जो डेप्थ थी वो 10 mm की थी, तो रिमूव मटेरियल, ओके, कंट्रोल डी। तो ये यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब हमें शैम्फर लगाने हैं और रेडियस। तो शैम्फर के लिए 45 का शैम्फर है यहाँ पर, तो 6 mm तक है। तो यहाँ पर शैम्फर लगाते हैं, एंगल टू 45 और 6 mm शैम्फर, एंड दिस वन एंड दिस वन, ओके। और रेडियस देख लेते हैं हम लोग, रेडियस कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। 6 6 mm की यहाँ पे रेडियस है, बाकी जो है वो सर्कल्स होल्स के अंदर है 1 1 mm के। तो 6 6 mm के यहाँ पे रेडियस लगा लेते हैं। राउंड 6 mm, क्लिक दिस वन, क्लिक एंड अगेन अगेन, ओके करूँगा, कंट्रोल डी। और जो रेडियस है वो 1 mm के हैं, 1 mm। क्लिक क्लिक दिस वन एंड दिस वन, अगेन क्लिक दिस वन एंड दिस वन, ओके, कंट्रोल डी। ये लीजिए, ये हो गया हमारा आर्ट डिज़ाइन। तो इसकी जो है व्यू में जाके कलर चेंज करके देखते हैं, द कंपोनेंट पार्ट, क्लिक दिस वन एंड व्हील। नो, ये ज़्यादा ही लाइट हो गया है, तो कंपोनेंट पार्ट, दिस वन इज मच बेटर। तो हाइड द प्लेन्स एंड देन एप्लीकेशन रेंडर करके देखते हैं। ये देखिए, ये रेंडर में आ गया, ओके करते हैं। चले, यहाँ तक आज तक के लिए इतना ही। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।